अच्छी दवाई बताने के लिए आया हूँ जो कोरोना के थर्ड वेव में बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकता है, और इसका नाम ज्वर और अतिसार, ये दोनों कंडीशन में बहुत ज़्यादा उपयोग रहता है। अभी ऐसे आशंका जताई जा रही है कि थर्ड वेव आने वाला है कोरोना का, तो उसमें क्या क्या मेडिसिन देना ये रहेगा, ताकि ना हम लोग ना एक तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को। तो मेरे आजकल के जितने भी आजकल मैं कल्प बता रहा हूँ, योग बता रहा हूँ ना, वो सारे थर्ड वेव कोरोना से ध्यान में रखते हुए, और दूसरा वर्षा ऋतु में होने वाली व्याधियों को ध्यान में रख के ही मैं बता रहा हूँ। तो यह जानना बहुत जरूरी है कि प्राणेश्वर रस जो है, प्राणेश्वर रस जो है, इसका नाम प्राणेश्वर रस क्यों है? क्योंकि ये प्राण बचाता है। जब बहुत ज़्यादा अतिसार होने लगता है, लूज मोशन होने लगते हैं, डिहाइड्रेशन होने लगता है, डिहाइड्रेशन अगर ज़्यादा हो गया तो मृत्यु तक हो सकता है, अरिष्ट सूचक लक्षण भी आ सकते हैं। तो ना मैं ना रस चंडांशु का पहले एक जो है इंग्रेडिएंट घटक द्रव्य वो बताऊंगा, और उसके बाद में मैं भेषज रत्नावली का ज्वर रोगाधिकार में जो बताया, और ज्वर अतिसार रोगाधिकार में जो बताया, वह दोनों का ऐसे तीन में प्राणेश्वर नाम से जो प्रसिद्ध है दवाइयाँ और मार्केट में मिलती भी हैं, इनके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। तो प्राणेश्वर रस है, ये एक तो रस है, तो मतलब पारा और गंधक से बनाया हुआ है, कजली से बना के बनाया जाता है। तो प्राणेश्वर रस में क्या क्या घटक द्रव्य वो पहले देखेंगे, और उसका उपयोग कैसे कैसे होता है वो भी देखेंगे। तो ऐसा बताया है, रस चंडांशु नाम के ग्रंथ में ऐसा बताया गया है कि रस गंधम अभ्रम चा टंकणम शत पुष्पकम यमानी जरकाख्यम चा प्रत्येकम कर्षक युग्मकम कर्षमेकम यवक्षारम हिंगु पटुक पंचकम वेडंगेन्द्रव्यम स्वर्ज क्षारकम साग्निर संगीतम दृष्ट्वा च वटिका कार्या नामना प्राणेश्वर हो रसा। कितना अच्छा से बताया है, मतलब इसमें पारा और गंधक ले लेना है, और अभ्रक भस्म लेना है, टंकनशार जो रहता है इसको टंकनशार की लाही इस तरह से मराठी में कहते हैं, फिर जो सौंफ रहता है वह लेना है, अजवाइन लेना है, देखिए दीपन पाचन करने वाले द्रव्य हैं, फिर जीरा लेना है, यह सभी दो दो तोला की मात्रा में ले लेना है, फिर इसमें यवक्षार डालना है, और उसके बाद में हींग डालना है, सेंधा नमक डालना है, फिर काला नमक डालना है, फिर विड़ लवण डालना है, और सज्जीशार तो हो गया, यवक्षार हो गया, सज्जीशार डालना है, और सादा जो नमक रहता है समुद्र लवण वह डालना है, और फिर इंद्रियव डालना है, विडंग डालना है, और यह सब डालते हुए हम लोग जाते हैं ना, तो इसको ना फिर चित्रक डाल देना है इसमें, और क्योंकि चित्रक का कल्प है, तो यह सब एक एक तोला लेकर और पानी में मिक्स करके और घोटते जाना है। अगर हम लोग श्लोक में देखेंगे ना, तो ऐसे बता रहे हैं कि रस गंधम अभ्रम च, रस मतलब पारा गंधक, अभ्रक अभ्रम च अभ्रक टंकणम शत पुष्पकम, शत पुष्पा मतलब सौंफ जो रहती है वह ले लिया है, यमानिम जरकाख्यम च अजवाइन और जीरक जीरा च प्रत्येकम कर्ष युग्मकम, ये सभी ना दो दो तोला के मात्रा में ले लेना है, कर्षमेकम यवक्षारम मतलब यवक्षार जो है वो एक कर्ष लेना है, हिंगु पटु पंचकम जो हिंग लेना है वो 5 गुना मात्रा में ले लेना है, उसके बाद में विडंग, और इसमें हिंग सेंधा नमक फिर काला नमक फिर विड़ लवण और ये सब ले लिया इन्होंने, फिर विडंग ले लिया, इंद्रयव ले लिया, जीरा ले लिया और सज्जीशार ले लिया, यह सबको लेने के बाद इसको पानी में डाल के और घुटते जाना है, मर्दन करना है, सूक्ष्म हो जाएगा, फिर इसका ना गुटिका करना है, और इसकी मात्रा है 1 से 3 गुंजा तक मात्रा रहती है। अब यह जो द्रव्य है प्राणेश्वर रस, इसमें आप लोगों ने जैसे कि देखा कि क्षार भी है, लवण भी है, दीपन पाचन करने वाली दवाइयां भी हैं, अभ्रक भस्म भी हैं, तो यह ना उत्तम आम पाचक है, आम का पचन करता है, क्योंकि चित्रक भी डाला हुआ है थोड़ा मात्रा में, तो यह आम का पचन करता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है, कोष्ठगत वात को हरता है, मतलब कोष्ठ में अगर वायु है अटका हुआ है और वहां पे पेट ऐसे गुब्बारा की तरह फूल रहा है, आधमान हो रहा है, या उदावर्त जैसी कंडीशन है, तो उसमें वायु का अनुलोमन कर देता है, फिर कोष्ठ में अगर शूल हो रहा है, उदर शूल जैसी कंडीशन है, उसमें भी बहुत अच्छा फायदा करता है, फिर जीर्ण ज्वर का भी नाशक है, मतलब क्रॉनिक फीवर है उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है, उसी तरह से अतिसार अगर हो रहा है, क्योंकि इसमें इंद्रियव डाला हुआ है, वायुविडंग डाला हुआ है, तो यह दीपन पाचन करने के साथ में इसमें इंद्रियव का प्रॉपर्टी है, तो इंद्रियव की वजह से यह ना अतिसार में बहुत अच्छा काम करता है, और अतिसार में क्या होता है, अग्नि को बढ़ाना होता है, आम का पचन करना होता है, और ग्राही कार्य करके उसको रोकना होता है, स्तंभन कार्य करके, तो इसीलिए ना इसका इंद्रियव से इसका फायदा हो जाता है। दूसरा पेट में अगर कैंची से काटने की तरह अगर कर्तन मत वेदना जब हो रही है, परिकर्तिका जिसको बोलते हैं, ऐसे अगर पेट में हो रहा है,
तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। फिर अगर ना बहुत ज्यादा पेट में लूज मोशन होने की वजह से सफेद सफेद अगर बहुत ज्यादा आव पड़ा हुआ है, उस तरह की कंडीशन है, बहुत ज्यादा गंदा स्मेल वाला अगर मल प्रवृत्ति हो रही है, उसमें बहुत अच्छा फायदा करेगा। फिर उसके बाद में अगर बहुत ज्यादा गंदा स्मेल वाला मल प्रवृत्ति अगर हो रही है, बहुत ज्यादा गंदा स्मेल वाला, तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। फिर उसके बाद में पतला और जिस तरह से चावल का आटा होता है, चावल के आटे की तरह अगर मल प्रवृत्ति हो रही है तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। और दूसरा है कि अगर लूज मोशन होता है बच्चों को या बड़ों को, जो भी कोरोना से तो कोई भी पीड़ित हो सकता है, बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन बच्चों को ये ज्यादा अटैक करने का है। या फिर वर्षा ऋतु में नॉर्मल भी अतिसार होने लगता है, क्योंकि अग्निमंद रहती है वर्षा ऋतु में, और पित्त का संचय होता है, अग्निमंद रहती है, तो उसमें दूषित पानी पीने की वजह से लूज मोशन होने की बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। कॉलरा और डायरिया के पेशेंट बहुत ज्यादा आते हैं वर्षा ऋतु में। तो ये प्राणेश्वर रस है ना, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। तो अगर ना पेट में बहुत ज्यादा पेट फूल रहा है, लूज मोशन हो रहा है, और सफेद कुछ कुछ ऐसे चावल के धुआं की तरह निकल रहा है, और जो भी पेशेंट है उसको ना सांस फूल रहा है, जिसको हम ऊर्ध्व श्वास बोलेंगे, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। नाड़ी का वेग जो रहेगा, पल्स रेट जो रहता है, वो बहुत ज्यादा कम हुआ रहता है। उसी तरह से बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है, सांस फूलने लगता है, वीकनेस आती है, लेथार्जी फील होने लगता है, उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर शरीर बहुत ज्यादा जड़ हो रहा है, बहुत ज्यादा अंग गौरव जो बोल रहे हैं वह अगर हो रहा है, पेट में ना जी मिचलाने की तरह ऐसे नौशिया फीलिंग हो रहा है, उत्क्लेश आ रहा है, और फिर मुंह से पानी बहुत ज्यादा आ रहा है, प्रसेक हो रहा है, उसी तरह से अरुचि है, खाना खाने का टेस्ट नहीं आ रहा है, उसी तरह से तंद्रा है, ड्राउजीनेस बहुत ज्यादा आ रहा है, उसी तरह से अन्न के प्रति इच्छा नहीं हो रही है, अनन्नाभिलाषा, अश्रद्धा, आस्यवीर्यस्य, अरोचक, ये सारे कंडीशन है। अनन्नाभिलाषा, अन्न की न अभिलाषा होना, यह कंडीशन है। उसी तरह से पेट में बहुत ज्यादा ना पेट में मरोड़ आ रहा है, कॉलिकी पेन हो रहा है, ऐसा कंडीशन है। इसी तरह से कोई भी काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, मतलब माइंड भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, ऐसा कंडीशन है। और यकृत जो है अपना, लीवर का फंक्शन अच्छे से नहीं हो रहा है। ये सारे जो सिम्टम्स है इन सबको ये कवर करता है, मतलब ज्वर को भी कर रहा है, अतिसार को भी कर रहा है, आधमान को भी कर रहा है, यकृत का कार्य अच्छे से नहीं हो रहा है उसको कर रहा है, अनन्नाभिलाषा को भी ठीक कर रहा है, पेट में उदर शूल हो रहा है उसको भी ठीक कर रहा है, या इस तरह से सारा पेट का जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जो भी इन्फेक्शन हुआ है, या लूज मोशन अतिसार हो रहा है, जो भी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट अन्न व स्रोतस में जो भी तकलीफ हुई है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। उसके साथ में अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें ये मेडिसिन जो है, इसमें जो जो घटक द्रव्य उनका क्या रोल रहे वह जानना बहुत जरूरी है। तो जो कज्जली है वह योगवाही है, बहुत ज्यादा योगवाही होने की वजह से वह सूक्ष्म स्रोतोगामी है और सारे मेडिसिन को अपने गंतव्य स्थान तक लेके जाता है, इसलिए योगवाही का महत्व रहता है। फिर रसायन द्रव्य है, यह रस, रक्त, मांसमय, दस्थि, मज्जा, शुक्र सभी धातुओं को अच्छा कर देता है। शरीर में उदक जो है, अब्ध धातु, उसको भी यह बैलेंस कर देता है। क्यों? हम लोग पानी पी रहे हैं और वो बॉडी में रहना चाहिए, टिकना चाहिए, तभी वाटर का जो बैलेंस है वह ठीक रहेगा। तो यह कज्जली जो है ना वह यह काम करता है। दूसरा, इंटेस्टाइन में जो सेंद्रीय विष तैयार हो गए हैं, आम विष के रूप में या कोई भी जो भी विष तैयार हो गए हैं उसको ये नष्ट करता है। अभ्रक भस्म जो है वो रसायन है, अभ्रक भस्म का सेवन करने से रस, रक्त, मांसमय, दस्थि, मज्जा, शुक्र सभी को ये बल देता है और नए धातु बनाता है। उसी तरह से धातु परिपोषण क्रम जो है, मतलब आहार रस से रस धातु बनना, रस धातु से रक्त धातु, रक्त धातु से मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सारे धातुओं का बनना, धातु परिपोषण क्रम या केदार कुल्या न्याय से यह बनना बहुत अच्छा यह अभ्रक भस्म कर देता है। फिर टंकण क्षार है, वो आक्षेप को दूर करता है, पेट में भी मरोड़ आ रहा है उसको ये ठीक कर देता है। फिर शूल को दूर करता है, कफ का नाश करता है, और इंटेस्टाइन में जो सेंद्र विष तैयार हुए हैं उनको भी ये नष्ट कर देता है। अजवाइन और सौंफ जो है और जीरा, यह दीपन पाचन है, आम का पचन करते हैं, जठराग्नि को प्रदीप्त कर देते हैं, वायु को अनुलोमित कर देते हैं, वायु का शमन कर देते हैं। यवक्षार जो है वह इंटेस्टाइन को ताकत देने वाला दवाई है और आम का पाचक है। हींग है वो वायु को दूर करने वाला है, अनुलोमन करने वाला है और शूल को दूर करने वाला है। और पंच लवण जो डाले हैं, जो मैंने बताया कि काला नमक, समुद्र नमक, ये सारे जो नमक है, यह जो है औद्भिद नमक, विड़ नमक, सांबर नमक, ये और समुद्र नमक, सोनचर नमक, ये सारे क्या है, वह आम पाचक करते हैं, आम पाचन है और यकृत की शक्ति को बढ़ाते हैं। उसी तरह से वायुविडंग जो है वो कृमिग्न है, मतलब कृमियों को दूर कर देता है और वातर है और शुलग्न है। उसी तरह से इंद्रियव है, इंद्रियव जो है वो रस पाचक में डाला है,
है, तो वह रसगत आम का भी पचन करता है। इंद्रियव जो है वह ग्राही कार्य करता है, वह लूज मोशन को कंट्रोल करता है, यकृत का उत्तेजना देता है। तिक्त रस होने की वजह से इंद्रियव जो है वह क्या करता है कि वह आम का पचन करके लूज मोशन को कंट्रोल करता है। उसी तरह से सज्जी क्षार जो है वह दीपन पाचन कार्य करता है। चित्रक मूल है वह उत्कृष्ट दीपन और पाचन का कार्य करता है, और वातग्न है इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। मैं एक बार ये श्लोक फिर से पढ़ता हूँ और फिर देखिए कितना अच्छे से बताएं कि रसगंधम अभ्रम च टंकणम शत पुष्पकम यमान इंजिर खाक्यम च प्रत्येकम कर्षे युग्मकम कर्ष्मेकम यवक्षारम हंगु पटु पटुक पंचकम विडंगेन्द्रेवम सारम चाग्नि संगीतम घृष्टवा च वटिका कार्या नामना प्राणेश्वर हो रसा। मतलब पारा गंधक अभ्रक भस्म टंकन शार डाला हुआ है, सौंफ डाला हुआ है, अजवाइन डाला है, जीरा डाला हुआ है, फिर यवक शार डाला है, हींग डाला है, पांच लवण डाले हैं। पांच लवण में सेंधा नमक, सोनचर नमक, औद्भिद नमक, विड़ लवण, समुद्र लवण, ये पांच नमक डाल दिए हैं। फिर वायुविडंग डाला हुआ है, फिर उसके बाद इंद्रेव डाला हुआ है, सज्जी क्षार यवक्षार हो गया, सज्जी क्षार डाला है, चित्रक डाला हुआ है। सभी को पानी के साथ पानी की भावना देके घोट कर सूक्ष्म करके और उसकी गोलियां बनानी है। मात्रा है 1 से 3 गुंजा तक। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह मार्केट में मिलता है, आप लोग खुद भी बना सकते हैं। पानी में तो भावना देके बनाना है। सारे द्रव्य तो पंसारी की दुकान पे आप लोगों को मिल ही जाएगा, जो काष्ठ औषधि का दुकान है वहां सब मिल जाएगा। तो आप इसको खुद बना के गोली बना के रख लीजिए, आपके पास अभी वो ऐसे पेशेंट आने वाले हैं तो इसका प्रयोग होता है, और खुद भी खाएंगे ना तो दीपन पाचन कार्य करता है। अब इसी तरह से जो भेषज रत्नावली है उसमें भेषज रत्नावली ग्रंथ जो है वो आज के जमाने का हमारा एनसाइक्लोपीडिया है, ड्रग टुडे है। इसमें इतने अच्छे अच्छे द्रव्य बताए हैं ना, इसका अगर चिकित्सा आप लोगों ने यूज किया, जैसे चरक संहिता में सैद्धांतिक भाग बहुत अच्छे से है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा चरक संहिता से पढ़ना चाहिए, और वाग्भट संहिता से भी बहुत अच्छा, अगर आप लोगों को हर्बल मेडिसिन का प्रयोग करना है वो भी बहुत अच्छा है। और दूसरा बात है उसमें सिद्धांत भी है और हर्बल मेडिसिन भी बहुत अच्छा, वाग्भट में कंडीशन कंडीशन के हिसाब से बताया है। लेकिन अगर आप लोग को रस कल्प का प्रयोग करके फास्ट रिजल्ट देना है तो आप भेषज रत्नावली सभी के पास होना चाहिए। भेषज रत्नावली का प्रयोग करके आप लोग ना जिस तरह से एलोपैथी की दवाइयां काम करती है उससे ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होगा। उसी तरह से प्राणेश्वर रस के बारे में क्या बताया है वह हम लोग देखेंगे और फिर हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो ऐसा बताया है प्राणेश्वर रस ज्वर रोगाधिकार में शुद्धम सुतम च गंधम च मृताभ्रम विष संयुतम समम तन्मर्दितम ताल मूली निरस्त्रयम् बुधाः पूरयत् कुपिकान्ते च मुद्गयित्वा च शोषयेत् सप्तभिः मृत्तिका स्वस्त्रे वेष्टयित्वा च शोषयेत् पुटेत कुंडे प्रमाणे न स्वांगशितम समुद्धरेत गृहत्वा कुपिका मध्यान मर्दे च दिनम ततः अजाजि जीरकम हिंगू सज्जिका टंकणम जगत गुगुल पंच लवणम यवक्षारो यमानिका मरिचम पिपली चैव प्रत्येकम रसमानता एषम कषायन पुनर्भावे सप्त धातपे नागवली दलयुतम द्विगंजा च नरशेश्वरम दधान्नवजरे स्तिव्रे सौष्णम वारी पिबेदनु प्राणेश्वरो रसो नाम सन्निपात प्रकोपनोप शीतज्वरे दाह पूर्वे गुल्मे शूले त्रिदोषजे वांछितम भोजनम दद्यात् कुर्यात् चंदलेपिनम तापोद्रेकस्य शमनम बलाधिष्ठानकारकम भवेद नात्र संदेह स्वास्थ्यम च लभते नरः। मतलब इसमें कुछ अलग कंटेंट्स है और ये बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। तो ऐसा बता रहे हैं कि पारा लेना है, गंधक लेना है, इसका कजली बनाना है, इसमें अभ्रक भस्म डालना है, फिर अभ्रक भस्म डाल के इसका कजली बना देना है, फिर वत्सनाप जो रहता है जिसको मीठा विष बोलते हैं वह डालना है। यह थोड़ा सा अलग है, यह ज्वर को भी कवर करता है प्राणेश्वर रस। इसमें मीठा विष डालना है और उसके बाद में संभाग में लेके मुसली जो रहता है, जो सफेद मुसली रहता है उसका रस निकाल के 3 दिन तक मर्दन करके धूप में सुखा देना है, और फिर कुपिका में डाल के मुख बंद करके और फिर 7 बार कपड़ मिट्टी कर देना है उसको, मुल्तानी मिट्टी और मिट्टी जो कॉटन का कपड़ा होता है उसे मिट्टी करके उसको मटके में डाल के और पूरा कवर कर देना है, और उसके बाद में धूप में सुखा देना है। इसको पुट नहीं देना है, पुट बाद में देना, पहले धूप में सुखाने के बाद फिर गजपुट में अग्नि देना है और गजपुट में पुट देना है। उसके बाद में जब वह स्वांग शीतल हो जाए फिर कुपिका जो जो मिट्टी का मटका है उसे निकाल के और उसमें फिर खरल में डाल के मर्दन करना है। मर्दन करते टाइम काला जीरा डाल दिया, जीरा डाल दिया, शाह जीरा और नॉर्मल जीरा, हींग डाल दिया, सज्जी क्षार, टंकन क्षार, स्फटिका, गुगुल, पांचों नमक जो है स्वर्वरचल नमक, औद्भिद नमक, विड़ लवण, स्वांग
सांभर लवण और समुद्र लवण, पांचों तरह के नमक डाल दिया। उसके बाद में यवक क्षार डाला, अजवाइन डाला, काली मिर्च डाला, पिपली डाला, और इसमें क्या करना है कि पारा के बराबर, ये पारा के डबल भाग लेना है, जितना हमने पारा लिया था उससे डबल भाग ये सारे द्रव्य लेने हैं। और इसके फिर क्या करना है, काढ़ा से, जो पहले तो इसमें मुसली की भावना दी थी, बाद में ये सारे द्रव्यों का क्वाथ बनाना है और उनके भावना देनी है, और फिर 7 बार भावना देनी है और 7 बार धूप में सुखाना है, धूप में ही सुखाना है इसको। मतलब चंद्रपुटी नहीं है इसको, सूर्यपुटी है, मतलब सूर्य में सुखाना है, पूरा उष्मा आ जानी चाहिए उसमें, तब यह बहुत ज्यादा अच्छा फायदा करेगा। और इसका सेवन कराना है, और दो दो रत्ती की गोलियां बनानी है, मतलब 250 mg की गोलियां बना के इसका सेवन कराना है। और इसका अनुपान है तो कोष्ण जल बताया है, और यह सन्निपात ज्वर में, मतलब वात पित्त कफ, तीनों प्रकार के ज्वर जो रहते हैं, जो असाध्य अवस्था में जाते हैं या अरिष्ट सूचक अवस्था में जाते हैं, उसमें यह सन्निपात ज्वर में बहुत अच्छा काम करता है। दीपन पाचन कार्य करके ज्वर में जो भी संप्राप्ति है उसको भंग कर देता है। फिर दाह पूर्वक जो शीत ज्वर है, ठंडी बच के जो बुखार आ रहा है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। फिर गुल्म में अच्छा काम करता है, त्रिदोषाशूल में अच्छा काम करता है। पहले वाला जो मैंने बताया रस चंडांशु, वो केवल ज्वर और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, अन्नव स्त्रोतस में काम कर रहा है यह, लेकिन ज्वर में भी काम कर रहा है, गुल्म में भी काम कर रहा है, त्रिदोषाशूल में भी काम कर रहा है। और उसके बाद ना बहुत तेज भूख लगती है, तो जो पेशेंट की इच्छा हो उस तरह से खाना खाने को दे दीजिए। और जब इसका सेवन कर रहे थे तो बॉडी में थोड़ा बर्निंग भी हो सकता है, इसीलिए क्या करना है, क्योंकि इसमें इतना गरम गरम दवाई, मीठा विष डाला हुआ है, सज्जी क्षार वगैरह डाला हुआ है, और सूर्य के गर्मी में पकाया हुआ है, सुखाया हुआ है, तो इसलिए ना इसको लेने से थोड़ा हीट का फीलिंग हो सकता है। तो इसको शवद करने के लिए पूरा बॉडी में चंदन का लेप लगा देना है, ऐसा बताया गया है। या फिर क्या करता है कि शरीर का तापांश को कम करता है, और सन्निपात ज्वर में क्या होता है, ताप बहुत ज्यादा रहता है, हीट बहुत ज्यादा रहता है, और ये मेडिसिन दीपन पाचन तो है ही, साथ में ज्वर का जो तापांश है उसको कम करना है। आजकल कैसे एलोपैथी के डॉक्टर बोलते हैं कि अगर सर पे फीवर चढ़ रहा है तो गीले कपड़े या बर्फ के पानी में कपड़ा डाल के और पट्टी रखते हैं, तो उस जमाने में, पहले के जमाने में चंदन का लेप लगाया जाता था। चंदन अपने आप स्वभावतः शीत रहता है, इसलिए चंदन का लेप बताया है। और यह रस बहुत ज्यादा अगर तापांश है, बहुत ज्यादा अगर फीवर का हाई ग्रेड टेम्परेचर है, इसको यह कम कर देता है। तो क्यों ना आप लोग, थर्ड वेव जब आएगा सितंबर अक्टूबर में आएगा और बहुत ज्यादा हीट बढ़ जाएगा, तो प्राणेश्वर रस का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे, और चंदन का लेप आप कम से कम सिर पर तो कर ही सकते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होगा, अतिसार भी ठीक हो जाएगा और सन्निपात ज्वर भी ठीक हो जाएगा, और आगे बच्चों के लिए भी बहुत सेफ है ये मेडिसिन, बहुत अच्छा काम करता है। तो यह क्या करता है कि इसका सेवन करने से रोगी शीघ्र ही स्वस्थ हो जाता है, इस तरह से बता रहे हैं। रस रत्न समुच्चय में एक प्राणेश्वर रस बताया है, रस रत्न समुच्चय में, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा है महारस, उपरस, साधारण रस, शोधन मरण पढ़ा है सेकंड ईयर में, सभी को मालूम है रस रत्न समुच्चय, उसमें भी प्राणेश्वर रस है, लेकिन उसमें वत्स नाम नहीं डाला हुआ है, और उसको वालुका यंत्र में पाक करने के लिए बोला है, इसमें गजपुट में पाक करने के लिए बोला है। और दूसरा है कि इसमें जो मेडिसिन डाले हैं, काला जीरा, हींग, स्याह जीरा, सज्जी चार वगैरह, इसमें जो रस रत्न समुच्चय में जो प्राणेश्वर रस है उसमें पारा गंधक अभ्रक भस्म और वत्सनाप ये तो लिया ही है, लेकिन साथ में क्या बोला है कि त्रिफला, त्रिकटु, चित्रक, फिर त्रिशार, मतलब सज्जी शार, टंकन शार और यवक शार, त्रिशार बोलते हैं, ये को डालना है, पांच लवण डालना है, गुगुल डालना है, हींग, अजवाइन, जीरा, इंद्रेव डालना है, और फिर इसको मिला के, और जल का अनुपान के साथ, वो जो पाउडर है पानी के साथ ही गोली बना के ऐसा है, और पानी के साथ लेने के लिए बोला है। तो इससे अभिन्यास ज्वर, जो एक सन्निपात का ज्वर है, अभिन्यास ज्वर में बहुत अच्छा काम करता है। प्राण जो जा रहे हैं यम लोक में जा रहे हैं, तो प्राण को लेके आता है वापस, इसलिए इसको। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि योग दर्शन में ऐसा बताया है कि आत्मा रहती है जीवात्मा, वह पंच कोशात्मक रहता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, फिर अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, इस तरह का कोश शरीर को ऐसा बताया है। मतलब जब आत्मा अनुभूति करता है ना, तो वह पहले शरीर को अन्नमय रहता है, फिर उसके बाद में मनोमय रहता है, प्राणमय रहता है, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। तो अब आत्मा ना शरीर से निकलने वाला है, वह निकलने वाला है, इतना ज्यादा ज्वर हो गया है, अन्नमय शरीर जो है, अन्न से बना हुआ जो शरीर है वह निकलने वाला है, स्थूल शरीर है, तो यह अभिन्यास जो ज्वर रहता है उससे वह पूरी तरह से प्राणेश्वर निकाल देता है, इसलिए इसका नाम है प्राणेश्वर,
प्राण को बचाता है, इसलिए प्राणेश्वर। फिर है अग्नि मंदता को ठीक कर देता है, ग्रहणी रोग को ठीक करता है, पांडु रोग को, गुल्म रोग को, ये सभी व्याधियों को ये कवर करता है, इसलिए प्राणेश्वर रस का प्रयोग आप लोग करिए। और भेषज रत्नावली का है कि रस रत्न समुच्चय का है, कि रस चंडांशु का है, वह आप लोग देखिए समझिए। पढ़े लिखे और विद्वान चिकित्सक है, कोई भी मेडिसिन ब्लाइंडली मत दीजिए। हेतु देखिए, संप्राप्ति देखिए, अंशांश कल्पना देखिए, और कौन सी मेडिसिन कहाँ पे इफेक्टिव है, कौन से कंटेंट्स उसमें डाले हैं, घटक द्रव्य क्या क्या हैं, कौन सा मेडिसिन कब देना है, यह युक्तिपूर्वक आप लोगों को प्रयोग करना ही पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। और दूसरा बात है कि मुझे फोन आता है कि लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा ये रिपोर्ट है, इसका रिजल्ट बताइए। मैं पूछता हूँ हेतु बताइए, संप्राप्ति बताइए, बोलते कोई हेतु नहीं है, वो तो बस रिपोर्ट में ऐसा आ गया। ऐसा हो ही नहीं सकता। त्रिकाल बाधित सत्य है कि बिना हेतु के सेवन किए कभी भी व्याधि नहीं होती है। हेतु क्या है वह निकालना जरूरी है। आप लोग प्रैक्टिशनर है, इसीलिए हम लोगों ने 10 तारीख को केश टेकिंग पे एक नया फिर से एक लेक्चर रखा है, तो आप लोग सभी लोग आइएगा। केश टेकिंग कैसे करना है वह जानना बहुत जरूरी है। इसको हम बार बार बताएंगे आप लोगों को, सिखाएंगे कि केश टेकिंग कैसे करना चाहिए, संप्राप्ति कैसे बनाना चाहिए, कैसे पेशेंट का एनालिसिस करना चाहिए कि यह सेवन करने से यह व्याधि हुई है। यह एक दिन से नहीं आएगा, बार बार करने से, क्योंकि हम लोग को हमारे गुरु लोगों ने कंटिन्यू सिखाया है, पेशेंट में भी दिखाया है और थेरोटिकल भी सिखाया है। आप लोगों को यह बार बार सिखाया जाएगा कि केस टेकिंग कैसे करना है, हेतु को कैसे समझना है, और वह किस तरह से व्याधि में परिणत हुआ, दोष दृश्य संमूर्छना कैसे हुई, स्रोतस की दृष्टि कैसे हुई, संचयम प्रकोप प्रसर व्याधि, संचयम प्रकोरम प्रसरम स्थान संचयम व्याधि व्यक्ति भेदम, यह किस तरह से हुआ, यह जानना बहुत जरूरी है। हम लोग सिखाएंगे आपको। अब अगर हम लोग देखेंगे तो ज्वर और अतिसार रोगाधिकार में भेषज रत्नावली में एक और प्राणेश्वर रस नाम का एक मेडिसिन आया है, उसमें ऐसा बता रहे कि रसगंधम अभ्रम च टंकणम शत पुष्पवत यवानी जरकाख्यम प्रत्येकम कर्षे युग्मकम कर्ष्मेकम यवक्षारम हिंगोपटुक पंचकम विडंगेन्द्रवम सर्जरसम कम चांगी संगीतम गृष्वच पटिका कार्याम नामना प्राणेश्वर हो रसा। मतलब इसमें पारा और गंधक का कजली बना लेना है, पारा गंधक ले लेना है, अभ्रक भस्म लेना है, टंकण क्षार लेना है, और फिर सोया लेना है, इसमें शत पुष्पा बोला है, उसमें सौंफ बोला था, और इसमें सोया लेना है। सोया जो रहता है वह अनुवासनोपग रहता है, अनुवासन करने में सहायता करता है, इसलिए सोया का बीज लेना है, अजवाइन लेना है, फिर जीरा लेना है, और ये सब चार चार तोला की मात्रा में ले लिया, यवक्षार ले लिया, हिंग ले लिया, पांचों लवण ले लिया, वायुविडंग ले लिया, इंद्रेव ले लिया, राल ले लिया, राल मतलब सर्ज रस ले लिया, चित्रक ले लिया, और इसको जल में मर्दन करके दो दो रत्ती की गोलियां बना दिया। तो यह रस है ना, यह सिद्ध प्राणेश्वर रस उसके तुल्य है। और ज्वर और अतिसार अगर हो रहा है, मतलब अभी थर्ड वेव में ऐसा आने की आशंका बताई जा रही है कि पित्त का प्रकोप होगा और बहुत सारे लोगों को डायरिया होगा, पेट की तकलीफ होगी, लूज मोशन होंगे, और ज्वर भी आएगा, बच्चों को यह अटैक करने का चांसेस है। तो हमें पहले से वर्षा ऋतु में ज्वर, मतलब प्राकृत रूप से वात ज्वर होता है, अतिसार होता है, अग्निमंद हुई रहती है, और थोड़ा भी कुछ भी हेतु का सेवन हुआ तो तुरंत ही ज्वरातिसार शुरू हो जाता है। तो प्राणेश्वर रस का प्रयोग कर दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। तो मैंने यह सारा बता दिया आप लोगों को, इसका प्रयोग आप लोग करेंगे और आप लोग का प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छा होगा। अतिसार हो रहा है तो केवल यही मत सोचिए कि महाज्वरांकुश रस, फिर महासुदर्शन घनवट्टी, फिर संशमनी वट्टी, त्रिभुवन कीर्ति, यही देना है, ऐसा नहीं है। हम लोग को ना प्राणेश्वर रस जैसे मेडिसिन देना है, और कंडीशन भी बताइए कि ग्रहणी भी है, अग्निमान्द्यता भी है, अरोचक भी है, अन्नाभिलाषा भी है, अतिसार भी हो रहा है, ज्वर भी हो रहा है, उल्टी भी आ रही है, पूरा प्राणवस सॉरी अन्नवस स्रोतस की दृष्टि है, उसमें ये प्राणेश्वर रस का प्रयोग करने से फायदा होता है। आप लोग खुद भी बना सकते हैं, सिंपल सिंपल द्रव्य है। इसका ग्रंथाधार जो है मैं सारा PDF में आप लोग को दूंगा। मैं जो भी पढ़ाता हूँ ये मैं अपने आदरणीय गुरु जी वैद्य समीर जमदग्नि सर के नोट से पढ़ाता हूँ, क्योंकि हमने सीखा है, वो सर ने हमें फ्री में सिखाया है, और हम लोग सर के पास जाते थे, वह हमारे गुरु हैं, उन्होंने हमें सब नोट्स दिया है। यह सारा नोट्स मैं आप लोगों को दूंगा, PDF के फॉर्म में दे दूंगा, तो आप लोग भी देखते रहिए। जब भी पेशेंट आए तो आपको अच्छा ये दवाई देना है, ठीक है ये दवाई दे दो, इस तरह से आप लोग को आना चाहिए, क्लिक होना चाहिए, स्ट्राइक होना चाहिए दिमाग में कि ये बीमार, ये लक्षण में ये दवाई काम कर रही है। तो बहुत अच्छा फायदा होगा प्राणेश्वर रस का प्रयोग करने से। अभी आप लोग प्रश्न पूछिए, मैं आप लोगों को प्रश्नों के उत्तर दूंगा। आप लोग कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर रितिका बाली जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर प्रियंका जी नमस्ते प्रणाम आपको,
कल ना 12 बजे, कल रविवार है, कल 12 बजे साम दोषों का विश्लेषणात्मक विवेचन मैं करूंगा। मैं बताऊंगा कि साम वायु क्या है, साम पित्त कैसे है, साम कफ क्या है, इसका हम लोग कैसे डायग्नोस करें, पेशेंट में क्या सिम्टम दिखते हैं, यह मैं आप लोगों को कल 12 बजे, कल सुबह का मॉर्निंग सेशन नहीं होगा, 12 बजे हम लोग आएंगे तो हम लोग देखेंगे। और आप लोग भी प्रश्न पूछिए, आप लोग आइए और बताइए कि आपके पास साम वायु के पेशेंट कैसे आते हैं, साम पित्त के पेशेंट कैसे आते हैं, साम कफ के पेशेंट कैसे आते हैं, वो हम देखेंगे। फिर कौन से रसों का चिकित्सा करना है, मतलब मधुर अम्ल लवण तिक्त कटु कषाय में कौन से रस का किस अवस्था में प्रयोग करना है और उसमें कैसी चिकित्सा रहती है। साम दोष तो हम बातें करते हैं लेकिन उसको और अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, और क्लिनिशियन लोगों को तो बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ऐसे ही पेशेंट हमारे पास आते हैं। और एलोपैथी का दिमाग से निकाल दीजिए, आयुर्वेद का डायग्नोस करिए, वो ज्यादा आप लोगों को सफलता देगा। डॉक्टर जयदेव सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर राम जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर राजेंद्र जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर अवधेश जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर श्रुति निगम जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर रोमा गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम। आज श्रुति निगम जी ने बोला कि सर आपने जीन्स और टी शर्ट पहनी है, अभी क्या है कि मैं कभी पहना नहीं हूँ और आप अचानक बोलेंगे कि एकदम मॉडर्न हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। आपका बात सही है, आपने जो सोचा सही सोचा, लेकिन मैं एकदम चेंज नहीं हो सकता, उसके लिए मुझे क्षमा करिए। डॉक्टर रोमा गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर राकेश जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर राहुल कपूर जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर रेणु पनवर जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर बंसल जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर प्रभात जी बोल रहे हैं कि प्राणेश्वर और सिद्ध प्राणेश्वर रस सेम है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, मैं सिद्ध प्राणेश्वर रस पे एक लेक्चर लूंगा तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। डॉक्टर प्रियंका जी बहुत बढ़िया चीज पूछ रही है कि व्हाट इज द डोज ऑफ दिस मेडिसिन फॉर किड्स। एक रत्ती, एक चुटकी, एक चुटकी जो रहता है ना, एक गुंजा, उतना ही देना है। अगर बड़े लोग हैं तो 3 रत्ती इतना मात्रा में दीजिए। और बहुत सारे जो कंपनियां बनाती हैं ना, वो 250 mg की बनाती है, कुछ 125 mg की बनाती है, 2 रत्ती की मात्रा में भी बनती है। तो छोटे बच्चे जो हैं उनको अगर बहुत ज्यादा आव पड़ा हुआ है, लूज मोशन हो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, दूध पच नहीं रहा, या अन्न भी खा रहे हैं तो पच नहीं रहा, एक एक चुटकी अगर हनी के साथ दे दिया तो बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर लक्ष्मी जी बोल रही हैं कि सेंड मी लिंक, किस चीज का लिंक पूछ रही हैं। डॉक्टर रेखा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर लोकेश शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको, दीप्ति जी नमस्ते, आपने प्रश्न नहीं पूछा दीप्ति जी, प्रश्न पूछिए कृपया। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर सनातन सत्व जी नमस्ते प्रणाम आपको। इन्होंने बहुत अच्छा बताया कि आज आप जुवेनाइल डायबिटीज का केस बताने वाले हैं क्लिनिकल सेशन में, कितने दिन पलित रोग के बारे में भी बताइए, किसी दिन। अब तो जुवेनाइल डायबिटीज का मैं बताऊंगा शाम को, जब होगा इंटरेक्टिव सेशन तब मैं बताऊंगा। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। डॉक्टर ज्योति जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर उषा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर बलविंदर जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर निधि अरोरा जी नमस्ते प्रणाम आपको। निक पाटिल जी बोल रहे हैं कि पित्त प्रधान पेशेंट में दे सकते हैं क्या मिश्री गुलकंद चंदन आसव के साथ? किसको नहीं दे सकते, या मेडिसिन सभी को दे सकते हैं, इसके लिए कोई वो नहीं है। और इसमें अगर क्षार भी डाला है और चित्रक भी डाला है तो बहुत कम मात्रा में डाला हुआ है। घटक द्रव्य मेन है तो अभ्रक भस्म है, और वत्सनाभ है जो रस चंडांशु वाला है, यह सभी अवस्था में दे सकते हैं। और पहले तो यह सोचना चाहिए कि यह जो ज्वर होता है यह ज्यादा दिन टिकने वाला तो है नहीं, यह दवाई आप 3 4 दिन देंगे उसके बाद बंद कर देंगे, ज्वर भी ठीक हो जाएगा, अतिसार भी हो रहा है तो ये व्याधि ज्यादा दिन तक तो ना टिकेगी, ये दवाई से ठीक हो जाए फिर बंद ही कर दीजिए, इसको कंटिन्यू यूज वाली तो ना, ये तो एक्यूट स्टेज में देने वाली दवाई है। मतलब अगर अतिसार और ज्वर हो रहा है और एलोपैथी से नहीं, अगर एलोपैथी से ठीक हो रहे तो बहुत अच्छा बात है, नहीं तो आप ये दीजिए 3 4 दिन में पेशेंट ठीक, तो फिर दवाई ज्यादा देने का कोई प्रश्न ही नहीं होता और पेशेंट को कोई साइड इफेक्ट ही नहीं होगा, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, इसको सारा दीपन पाचन द्रव्य है, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अभी जैसे आप लोग आम पाचक वटी यूज करते हैं, आप लोग मेरा वाला नहीं, आप लोग यूज करते हैं आम का पचन करने के लिए, उसमें चित्रक बहुत ज्यादा डालते हैं आप लोग, और उसके बाद में यवक क्षार बहुत ज्यादा डालते हैं, सज्जी क्षार डालते हैं, बहुत ज्यादा नमक डालते हैं, तो उसके वजह से वो लॉन्ग टर्म की दवाई है, मतलब आम का पचन करने के लिए ज्यादा दिन तक आम पचन देते हैं, उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। अग्नि तुंडी वट्टी भी आप अग्नि बढ़ाने के लिए देते हैं, उसमें कुचला है, वो ज्यादा दिन तक देते हैं, उसका साइड इफेक्ट होता है। अब ये प्राणेश्वर रस है, आप इसको थोड़ी ना ज्यादा दिन तक देंगे, ज्वर ठीक हो गया, अतिसार ठीक हो गया, बस पेशेंट को रिलीफ मिल गया, ट्रीटमेंट बंद, कोई जरूरत नहीं है दवाई देने की। डॉक्टर अर्चना जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर प्रशांत जी नमस्ते प्रणाम आपको। मैंने तो प्राणेश्वर रस का साइड इफेक्ट नहीं दिया है, यह प्राण बचाने वाला द्रव्य है, इसका क्यों साइड इफेक्ट होगा, प्राण को बचा रहे हैं ना।
डॉक्टर ज्योति जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रियंका जी बोल रहे हैं, ज्वराती सार में आनंद भैरव रस का प्रयोग कब और प्राणेश्वर रस का प्रयोग कब करना है? यह आनंद भैरव रस भी एक द्रव्य है ज्वराती सार में, वो तो है कॉमनली यूज करने वाला। अगर प्राणेश्वर रस का, हाँ ये कंडीशन आपने पूछा ना, जब सन्निपात ज्वर है या जीर्ण ज्वर है, बहुत क्रॉनिक पेशेंट है और जिसको जीर्ण ज्वर है, अभिन्यास ज्वर है, सन्निपात ज्वर है, तीनों दोषों के सिम्टम दिख रहे हैं और पेशेंट बहुत ज्यादा, जैसे अभी कोरोना के पेशेंट है, कोरोना में कितना मोर्टेलिटी रेट कितना बढ़ गया, कितने लोग तुरंत तुरंत मरने लगे। अब सुबह तक बात कर रहे थे, शाम को उनको फीवर आया और उसके बाद में पूरा शरीर में थकावट हुआ और उसके बाद में सारे जो वैल्यूज है वो बढ़ गए और उसके बाद में दूसरे दिन डेथ हो गई। इस तरह से जो बहुत ज्यादा वायरल अपलोड बढ़ जाता है उसमें प्राणेश्वर रस का ज्यादा काम रहता है। और नॉर्मल जो कोई कोरोना नहीं है, कुछ नहीं है, और नॉर्मल जो सीजनल चेंज में ज्वराती सार है उसमें आनंद भैरव रस है। और प्राणेश्वर रस का इसीलिए जो अभी आने वाला है थर्ड वेव, उसमें प्राण की रक्षा करना जरूरी है और उसमें ज्वर है, अतिसार है, तो इसीलिए देखिए कौन सा मेडिसिन कब यूज करना है। प्राणेश्वर रस अभी के सिचुएशन जो आने वाली है उसमें ज्यादा उपयोगी रहेगा। मधु अरोरा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर गंगवार जी नमस्ते, प्रणाम आपको। और ऐसा नहीं कि प्राणेश्वर रस पहले नहीं यूज किया जाता था, वह भी यूज किया जाता था, लेकिन सन्निपात की अवस्था में बहुत ज्यादा ऐसे कंडीशन आ रहे था कि कोई भी मेडिसिन काम ही नहीं कर रहा था। आनंद भैरव रस काम नहीं कर रहा था, कुमार कल्याण रस काम नहीं कर रहा था, फिर त्रिभुवन कीर्ति, संशमनी वटी, ये सबसे फायदा जल्दी नहीं हो रहा था, तब ये प्राणेश्वर रस का प्रयोग सारे आचार्य लोग करते थे। जब सन्निपात की अवस्था आती है, सन्निपात ज्वर जब रहता है, तब तो जय मंगल रस बहुत अच्छा काम करता है, बृहत कस्तूरी भैरव रस अच्छा करता है, फिर नवरत्न कल्पांत कल्प नहीं नवरत्न ऐसे कुछ तो एक रत्न है उसका प्रयोग किया जाता था। बृहत कस्तूरी भैरव रस जो है सन्निपात ज्वर में बहुत अच्छा काम करता है, तब इसका प्रयोग किया जाता है। तो अभी सभी लोग थोड़ा ना बृहद कस्तूरी भैरव रस जैसे महंगी महंगी दवाइयां यूज कर सकते हैं, इतना महंगा दवाई है, तो उसके लिए प्राणेश्वर रस जैसे सस्ती दवाइयां रसकल बनाया गया कि यह सभी लोग को अफोर्डेबल हो, तो इसका प्रयोग करिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर मीनल गुप्ता जी नमस्ते, प्रणाम आपको। ये बोल रहे हैं कि अनुरीता जी बोल रहे हैं कि सर जी आप जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। हाँ वो मुझे श्रुति निगम जी बोल रही कि आप जीन्स और टी शर्ट पहन के आइए। अभी क्या किस लिए बोली मुझे नहीं पता, उनका मैसेज आया, अब मैं जीन्स और टी शर्ट